हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वादे बेहतरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का केक, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो भी आप इस केक को आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताने वाली हूँ, इससे आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर एक कप सूजी। यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ली है। इस सूजी में 2 से 3 चम्मच कम है, मतलब एक कप होने में। साथ ही उस कप से मैंने ले लिया है 1/2 कप चीनी। तो आप कोई सा भी एक बर्तन सेट कर लीजिए, उसी बर्तन से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर जितना सूजी कम था ना एक कप में, उतना मैंने यहाँ पर ले लिया है मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही उसी कप से मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप दूध। तो देखिए, आप कोई सा भी बर्तन सेट कर लीजिए, उसी कप से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। इससे हमें मेज़र करने में आसानी होगी, क्योंकि सबके पास मेजरिंग कप नहीं होता है। अगर मैं अलग अलग कप में दिखाऊंगी ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 कप कौन सा है, 1/2 कप कोई ML का है या फिर ग्राम का है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कप का यूज़ किया है और उसी हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया था, 1/2 कप चीनी और 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया था, और 1 कप उसी में मैंने दूध लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए, अभी भी इतना दूध बच गया है, पूरा दूध नहीं लगा है 1 कप। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स या गुठलियाँ ना रह जाएँ। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे हटा देते हैं, साइड रखते हैं, और अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है टूटी फूटी, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच आटा। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम इसे केक में डालेंगे ना, तो ये नीचे जाके बैठ नहीं जाएंगी या कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगी, ये केक में चारों तरफ फैल जाएंगी। तो ये काम हो गया है, तो चलिए हम दूसरा काम भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक केक टिन। आप चाहे तो केक टिन में बनाए, या फिर घर में कोई भी टिफिन वगैरह हो गई, आप उससे भी ग्रीस करके आसानी से बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑयल लगा देंगे। यहाँ पर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बटर पेपर को भी लाइन अप कर दिया है। तो अब हम इसे हटाते हैं, और ये जो सूजी है इसे भी हम देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए सूजी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो हमने इसमें सिर्फ मिल्क पाउडर और चीनी ऐड किया है दूध के साथ सूजी में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी से ये बन भी जाएगा, मतलब केक को बेक होने में टाइम लगेगा और वरना ये जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 पिंच नमक, और 1/4, मतलब मैंने सिर्फ 1/4 ऑयल लिया है यहाँ पर, रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो कोई भी मेल्टेड बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैदे की तरह बिल्कुल स्मूथ टेक्स्चर में आ गया है। फिर से हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं, और ये जो हमने टूटी फूटी रेडी की थी ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर ये देखिए स्पून, खाने वाला जो चम्मच होता है ना, उससे मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच बिल्कुल बेकिंग पाउडर, और उसका भी 1/2, यानी 1/4 हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा। साथ ही कुछ बूंदे हम डालेंगे वनीला एसेंस की। आप चाहे तो कोई सा भी फ्लेवर दे दीजिए, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे दीजिए, या फिर आप चाहे तो घर पे पड़ी हुई इलायची भी दे सकती हैं। तो सोडा को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए ना, मैं यहाँ पर विनेगर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, नींबू को भी गार के डाल सकते हैं, और बहुत ही स्मूथली जेंटली इसे हम चलाएँगे। ओवर हमें मिक्स नहीं करना है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है, न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है, बस ऐसा ही होना चाहिए। और इसका टेक्सचर देखिए, काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल मैदे जैसा हो गया है ये। थोड़ा सा तो ये दरदरा सा रहेगा ही, क्योंकि ये सूजी है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है, बस जो हमने ये केक टिन रेडी करके रखा है,
हम सारा बैटर को इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो आपने देखा ना इसे बनाने में कितना मेहनत लगी आपकी, कुछ भी तो नहीं लगा। और यहाँ पर ऊपर से भी हम थोड़ी सी टूटी फूटी डाल दे रहे हैं, इसे देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा टैप टैप करेंगे जिससे जो भी एयर बबल्स हों वो रिमूव हो जाएं। और ये केक हम भगोने में बना रहे हैं, तो भगोने को मैंने पहले ही थोड़ा सा प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हाथ को बचाते हुए आसानी से धीरे से आप इसमें हम रख देंगे इसे, और अब हम इसे अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। तो आप श्योर रहिएगा कि कहीं से भी जो हवा है वो बाहर ना निकले। तो 25 से 30 मिनट लग गए हैं, अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिक में जरा भी लगा नहीं है, इसका मतलब कि हमारा केक जो है वो पूरी तरीके से कुक हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे। तो केक जब पूरा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसे डिमोल्ड करेंगे, तब तक हम इसे टॉवल से ढक करके रख देते हैं। तो ये देखिए केक जो है वो ठंडा हो चुका है, या थोड़ा बहुत गर्म भी है, पर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। बटर पेपर लगाया था इसलिए ईजिली निकल गया, और आप नीचे से भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा बेक हुआ है, कितना प्यारा कलर आया है इस पर। और आप ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये केक। हाँ, अगर आप चाहे तो इसे चीनी को ना जैगरी के साथ रिप्लेस करके आप इसे हेल्दी भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, और आप ये देखिए टूटी फूटी भी ना पूरे केक में इधर उधर फैली है, नीचे जाकर इकट्ठा नहीं हुई है। बहुत ही अच्छा केक बना है ये, कितना सॉफ्ट है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।